वहीं महिला T20 एशिया कप 19 जुलाई से खेला जाना है और इसके लिए भारतीय महिला टीम का ऐलान कर दिया गया है। बता दें कि भारतीय टीम की कप्तानी की जिम्मेदारी हरमनप्रीत कौर को सौंपी गई है। पिछले कुछ समय से शानदार प्रदर्शन कर रही स्मृति मंधाना को उप कप्तान बनाया गया है। उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज में खूब रन बनाए हैं। बता दें कि टीम में 15 खिलाड़ियों को जगह मिली है, वहीं 4 प्लेयर्स को रिजर्व में रखा गया है। भारतीय टीम में ज्यादातर उन प्लेयर्स को जगह मिली है जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज खेल रही है और टीम में विकेट कीपर के तौर पर ऋचा घोष और उमा छेत्री को भी मौका मिला है। वहीं शेफाली वर्मा, जेमिमा रोड्रिक्स जैसे शानदार बल्लेबाजों को भी चांस मिला है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ टीम इंडिया की स्क्वाड का हिस्सा बनने रही अमन ज्योत कौर और शबनम शकील को भी एशिया कप के लिए शामिल नहीं किया गया है। बता दें कि भारतीय टीम में रिजर्व के तौर पर श्वेता सहरावत और साइका इशाक, तनुजा कवर और मेघना सिंह को भी रिजर्व खिलाड़ियों के तौर पर शामिल किया गया है।